व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिप बिप। मैं हूँ आपका दोस्त चिन्मय। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वीडियो इतना सा भी यूजफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज्यादा मायने रखता है। और साथ ही में उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो यहाँ पे स्कूल और जो कॉलेज है वो शुरू हो चुके हैं वर्चुअली, यानी कि हमें ऑनलाइन क्लासेस पे अब डिपेंड रहना है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो गूगल क्लासरूम को यूज़ करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, या फिर कुछ लोग हैं जिन्हें इसको यूज़ करने में कुछ दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, कैसे यहाँ पे क्रिएट क्लास करते हैं, कैसे यहाँ पे किसी भी क्लास को ज्वाइन करते हैं, और कैसे ये एप्लीकेशन आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो कैसा है ये एप्लीकेशन, लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ओपन करना होगा, जहाँ से हम गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्लासरूम, जो सबसे पहले ऑप्शन आएगा गूगल क्लासरूम का आएगा, और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है, सिर्फ 12 MB का ऐप है। अब हमें यहाँ पे ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये पूछेगा गेट स्टार्टेड, सो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे वो ईमेल का ऑप्शन देगा, जो ईमेल आपके यहाँ पे लॉगिन है उसी को, तो इनमें से एक ये सारी आपके जीमेल होने चाहिए, इनमें से एक ईमेल आईडी को आपको यूज़ करना है। भी आ गया इसका होम पेज। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप ज्वाइन क्लास या फिर क्रिएट क्लास कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर है तो ऑब्वियसली आपको करना होगा क्रिएट क्लास। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको एक क्लास का आईडी मिल जाएगा, उसको यहाँ पे एंटर करके आप ज्वाइन क्लास भी कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्रिएट क्लास कैसे करना है। तो यहाँ पे क्रिएट क्लास करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन है उसको एग्री करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास का नाम क्रिएट करना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं फ्लिप बिप। चैनल का थोड़ा फार प्रमोशन तो चलता ही है। यहाँ पे सेक्शन ए, जो भी आपका सेक्शन होगा वो, रूम नंबर ले लीजिए फिर से 1, सब्जेक्ट यहाँ पे ले लीजिए टिकटॉक। अब यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्लास क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्लिप बिप सेक्शन ए और यहाँ पे क्लास। यहाँ पे आपको नीचे 3 टैब दिख रहे हैं, इनमें से एक है स्ट्रीम, दूसरा है क्लास वर्क और तीसरा है पीपल। तो यहाँ पे आपको कुछ लोगों को ऐड करना होगा, जैसे कि अगर आप टीचर हैं तो आपको स्टूडेंट्स को ऐड करना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रीम। तो स्ट्रीम पे यहाँ पे स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विथ योर क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि हाय फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये कन्वर्सेशन हो जाएगा। तो अगर आप बात करते हैं क्लास वर्क की, तो यहाँ पे कोई भी क्लास वर्क नहीं, तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा क्लास वर्क। तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए, असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिए फिर से। ऐड पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, हम सिलेक्ट करेंगे असाइनमेंट। जहाँ पे आपको एक टाइटल क्रिएट करना होगा, जैसे कि हाउ टू यूज क्लासरूम। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ देना होगा, ये ऑप्शनल है। साथ ही में यहाँ पे आप पॉइंट्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने पॉइंट्स आपको देने हैं, जैसे कि 100 हो या फिर कितने भी हो, सॉरी 100 हो। ड्यू डेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ड्यू डेट नहीं हो तो नो ड्यू डेट। टॉपिक यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको, अब यह क्लास वर्क ऐड हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे आप अलग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यानी कि फिर से वही करेंगे हाउ टू यूज गूगल ये देखिए पॉइंट्स, उसको भी आप दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर भी आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं,
या फिर मल्टीपल चॉइस भी। यहाँ पे आप ऑप्शन डाल सकते हैं, ऑप्शन वन या फिर ऐड ऑप्शंस। ऑप्शन वन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नेट, मोबाइल, जो कुछ भी चाहिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये ऊपर का असाइनमेंट है, यह है क्वेश्चन। ऐसे आप बहुत सारे क्लास वर्क यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है लोगों को ऐड करने की, यानी कि आपके स्टूडेंट्स को ऐड करने की। तो पीपल पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पीपल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी अपने स्टूडेंट का ईमेल आईडी रजिस्टर करना होगा या फिर ये टाइप करना होगा, और उसके बाद उसको इन्विटेशन जाएगा। अदरवाइज इतना आपके पास वक्त नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक क्लास कोड दिख रहा है, जैसे कि ये देखिए I2HDPTB। इस कोड को आपको हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करना होगा। वो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं या फिर ईमेल थ्रू, कैसे भी। तो इस कोड को अगर वो ज्वाइन क्लास में जाकर ऐड कर देगा तो वो उस क्लास को ज्वाइन कर देगा। ऐसे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी किसी और पीपल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमें क्लास क्रिएट करना है। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे क्लास ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए, ज्वाइन क्लास क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपको एक जो कोड मिलेगा आपके टीचर की तरफ से, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के बाद ये देख लीजिए, जो हमने थोड़ी देर पहले एक क्लास क्रिएट किया था वो आपको एज अ स्टूडेंट ऐसा दिख जाएगा, जहाँ पे हमने क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं और यहाँ पे हमने क्लासरूम मतलब एक असाइनमेंट भी ऐड कर दिया है। तो हमें क्वेश्चन पर हम जाएंगे, हाउ टू यूज़ गूगल नेट मोबाइल, जो कुछ भी आपका ऑप्शन होगा, या फिर आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। मोबाइल कर दीजिए, हैंड इन कर दीजिए, सबमिट। आपका जो आंसर है उनके पास सबमिट हो जाएगा, ये देखिए आंसर सबमिटेड। आप बैक जाइए, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं असाइनमेंट, ये देखिए हाउ टू यूज क्लासरूम, ऐड क्लास कमेंट, योर वर्क, ऐड अटैचमेंट्स। आप यहाँ पे ड्राइव से या फिर एक फोटो क्लिक करके, यानी कि आप या फिर डॉक्यूमेंट्स, न्यू डॉक्स, न्यू स्लाइड्स वगैरह से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं और ऐड अटैचमेंट उसको कह सकते हैं। इसी तरह आप अपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कहिए या फिर अपना आंसर कहिए, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे असाइन हो जाएगा वो। तो इसी तरह सिंपल तरीके से आप गूगल क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि आप कैलेंडर पे यहाँ पे आप अपना जो क्लासरूम है उसको, कोई भी इवेंट है वो भी ऐड कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जो कुछ मैं अगर मैं टाइप करूँ, फॉर एग्जांपल अगर सेव करूँ तो यहाँ पे वो सेव हो जाएगा, ये देख लीजिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको डिसमिस कर सकते हैं। बाकी सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब कि आप यहाँ पे अचीव क्लासेस भी देख सकते हैं, क्लासरूम फोल्डर्स भी देख सकते हैं। क्लासरूम फोल्डर्स में अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली गूगल ड्राइव को जाएगा, जहाँ पे जो बाकी ऑप्शन हैं वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ डाटा है या नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है फिलहाल। तो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपडेट कर सकते हैं, या फिर आपको सिंक्रोनाइजेशन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। नोटिफिकेशंस के ऑप्शन है, जैसे कि आपको ईमेल थ्रू मिल जाएंगे सारे नोटिफिकेशंस। डिवाइस नोटिफिकेशंस में आपको मतलब साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और किसका आना चाहिए, इन सारे के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा कि कैसे क्लासरूम को यूज़ करना है। अगर आपको इसके बजाय कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।